हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की धुलाई के लिए लगाया गया है खास तरीके का ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट। पूरा ऑटोमेटिक है यहाँ पे। पहले हम मैन्युअली जो बाहर की कोच की बाहर क्लीन करते थे हम, इसमें लगभग 4 से 5 लोग जन मैनुअल क्लीन लगता था, उसमें समय भी लगता था। अभी ये जो ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग में अभी पूरा ऑटोमेटिक है, आदमी की जरूरत नहीं है और पूरा मैकेनाइज्ड क्लीनिंग है और सिर्फ 15 मिनट में 24 कोच का पूरी ट्रेन सिर्फ 15 मिनट में क्लीन हो जाती है। काचीगुड़ा स्टेशन पर लगा यह प्लांट 24 डिब्बे की ट्रेन को आसानी से 10 से 15 मिनट के भीतर धुलकर साफ कर देता है। ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट अपने आप में खास है क्योंकि इससे पानी की बर्बादी नहीं होती। ट्रेन को धुलने में जो पानी इस्तेमाल होता है वही पानी दोबारा रिसाइकिल कर लिया जाता है। ट्रेन को धुलने में केमिकल भी कम से कम इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी ट्रेन की सफाई भी, पर्यावरण का बचाव भी। काचीगुड़ा स्टेशन पर ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट पीपीपी मोड में लगाया गया है और यह इसी साल कमीशन हुआ है। ये ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट है, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन की धुलाई होनी है। यहाँ पर ट्रेन को धुला जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट में जब ट्रेन के डिब्बे जाते हैं तो अलग अलग केमिकल के जरिए उसकी धुलाई की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर केमिकल छिड़के जा रहे हैं। यहाँ से देखिए ऊपर से केमिकल डाला जा रहा है और उसके बाद की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े ब्रश लगे हुए हैं और इन ब्रश के जरिए इसकी सफाई की जा रही है। ये कोच लगातार साफ हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से। और भारतीय रेलवे की जब हम बात करते हैं तो भारतीय रेलवे के जो डिब्बे हैं अगर उनके साफ होने की बात करें तो हर एक रैक को साफ करने में तकरीबन 3600 लीटर का पानी लगता है, लेकिन जब ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी आसानी से ट्रेन साफ हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पानी भी कम लगता है, पूरी ट्रेन को साफ करने में महज 1440 लीटर का पानी लगेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें, क्योंकि मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, पूरा का पूरा प्लांट ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर से ठंडा और गर्म पानी दोनों डाला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई प्रेशर हॉट वाटर यूनिट लगी हुई है जो बड़ी तेजी से जब डिब्बा निकल रहा होता है तो उसकी सफाई करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी ट्रेन जो आप साफ हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से जो ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट हैं वो देश भर में अलग अलग इलाकों में लगाए जा रहे हैं। अगर हम हजरत निजामुद्दीन की बात करें तो वहाँ पर भी लगा हुआ है, अगर हम दूसरी जगहों की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आने वाले दिनों में इस तरीके के प्लांट लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप देखिए जब साफ होकर डिब्बा बाहर निकल रहा है तब किस तरीके का लग रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें साफ होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट लगते हैं पूरी की पूरी ट्रेन साफ होने में। तो जब हम साफ सफाई की बात करते हैं, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो कई चीज़ें इसमें शामिल हैं, क्योंकि इस पानी को रिसाइकिल भी किया जाता है। ये जो पानी है रिसाइकिल होता है और ऑटोमेटिक जो प्लांट लगा हुआ है वहाँ से पंप के जरिए इस पानी को काफ़ी तेज़ी से प्रेशर देकर इस पर डाला जाता है और इसमें जो केमिकल हैं वो भी कम से कम इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये देखिए किस तरीके से ट्रेन साफ होकर निकल रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि काचीगुड़ा की अगर हम बात करें, काचीगुड़ा में ये प्लांट लगा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन जो है साफ होकर बाहर निकल रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है अगर यहाँ आप देखें तो किस तरीके से पानी जो है लगातार, पानी को अगर हम देखें तो पानी लगातार प्रेशर से डाला जा रहा है और जो प्रेशर बन रहा है रिसाइकल्ड वाटर है। और रिसाइकल्ड वाटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेजी से पानी डाला जा रहा है और उसके जरिए ट्रेन को साफ किया जा रहा है। हाई प्रेशर के जरिए ट्रेन को लगातार यहाँ पर साफ किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये जो पानी नीचे जाता है ये वापस रिसाइकल हो जाता है। सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये वापस रिसाइकल होता है।
और इस तरीके के जो प्लांट लगाए गए हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लगाए गए हैं, तो इससे ढेर सारी ट्रेनों को साफ करने में भी आसानी होती है। वैसे एक ट्रेन को साफ करने में कम से कम 30 से लेकर 40 लोग लगते हैं, लेकिन इस ट्रेन को अगर आप देखेंगे तो इसमें किसी की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट है और इसमें जो केमिकल पड़ते हैं और उसके बाद वो केमिकल उस गंदगी को हटाते हैं और बाद की बात करते हैं तो ट्रेन जो है खुद ब खुद साफ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेन अपने आप साफ हो चुकी है।